a lot. Welcome to our channel Men, Women and Dog. आज मैं आपको बताऊंगा कि हस्की को निलाते कैसे। देखिए, रोज निलाना उसे impossible है और निलाना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में एक बार, that's more than enough, क्योंकि इनमें ना smell आती है ना इन्हें कोई problem होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए मैं कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, कैसे करता हूँ। पहले मैं आपको बोल दूँ कि जो मैं प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ उसके लिए वो डॉक्टर रिकमेंडेड है। जो ग्रूमिंग टूल्स यूज करता हूँ वो ग्रूमर रिकमेंडेड है। तो मैं अपने मन से कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और जब से हमने उसे लिया है ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी रिजल्ट्स आर वेरी नाइस। उसे कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं हुई है। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ कि ये सारी चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहली चीज से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप हस्की को नहलाएं या किसी भी ट्रिपल रेड डॉग को नहलाएं, सबसे पहले उसे तरीके से झाड़ लें, खासकर जब वो शेडिंग टाइम है। जैसे मेरी हस्की जो है शेडिंग टाइम है, सबसे पहले जो मैं यूज करूंगा उसे कहते हैं फर मैनेजर। ये शेवर के जैसे जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंटेड दिख रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेटल का, जोर से मत लगाइएगा। अब इसे यूज कैसे करें, सिर्फ सीधा सीधा यूज करेंगे बाल तो निकलेंगे, लेकिन इसके जो अंदर के बाल हैं वो अंदर और दब जाएंगे, जो अनवांटेड बाल हैं वो और छुप जाएंगे। तो आपको थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। सबसे पहले आप हल्का सा उल्टा कीजिए, ये देखिए फिर उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, जो उसके अनवांटेड बाल जो है पीछे छुपे हुए कुछ ऐसे वो बाहर निकल जाते हैं। तो पहले आप इसे हल्का सा उल्टा चलाइएगा, हल्का सा उल्टा चलाइए, फिर जब बाल निकल जाए उसके उसके बाद उस पर सीधा चलाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंटेड इसे चोट लग सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको जोर से नहीं करिएगा, आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं लेकिन दबाइएगा मत जोर से। ये देखिए इसके पूरे अनवांटेड बाल निकल रहे हैं, ये कोई शेवर नहीं है, ये मैं अपने हाथ पर करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे बाल धोने निकल रहे हैं, ये सिर्फ कोम की तरह ऊपर के बाल निकलता है। एंड ट्रस्ट मी, ये करना जरूरी है क्योंकि अभी इसका शेडिंग टाइम है। जैसे आप देख सकते हैं ये बाल निकल रहा है आपको, ये मुझे सिर्फ उठाना है। ये देखिए बाहर कैसे निकल रहा, मैं कोई खींच भी नहीं रहा, ये अपने आप निकल रहा है। इसलिए इस पर परमिनेटर चलाना बहुत जरूरी है। ये देखिए ये इसका शेडिंग टाइम है। ओके फ्रेंड्स, ये है दूसरी स्टेप। अब आप देख रहे हो ये आ रही जैसी चीज क्या है, पहली बता दूं ये पॉइंटेड नहीं है। देखिए मैं अपने हाथ पर करके दिखा रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो आपको छिल गया होगा। मैं अपने स्किन पर करके दिखा रहा हूँ, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको घटाइएगा मत। ये जो आरी जैसी चीज है ये दिख पॉइंटेड रहा है, लेकिन जो भी इसके पॉइंट्स है वो ऐसे राउंड है, ऐसे ट्राइंगल शेप में पॉइंटेड नहीं, ऐसे राउंड है। इसलिए ये ऐसा जो आपको शेप दिख रहा है ये आरी जैसे शेप जरूर है, बट ये घटता नहीं क्योंकि ये राउंड है। ये देखिए सिर्फ लाना है, निकल जाता है। और एक और इसकी खासियत ये है कि ऐसा खुल जाता है सिर्फ पकड़ने के लिए, और ये उसको चलने फिरने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो एक जगह बैठ नहीं पाता है, तो आप उसको चलने फिरने दीजिए और आप आराम से चलते चलते भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ये खुल गया तो ये आपके लिए ईजी पड़ जाता है, आप इसको एक डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, या मान लीजिए आपको रिवर्स मारना है तो आप रिवर्स मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे अच्छा इसका यूज है इसके पूंछ के लिए, क्योंकि ये पूंछ में पूरी तरीके से आराम से घुस जाता है। आप उल्टा डालिए, इसको हल्का सा राइट कर लिया। तीसरा प्रोसेस वो है ग्लव्स। अब मैं आपको ग्लव्स के बारे में बता देता हूँ, ये आपने बहुत से शायद वीडियोस में यहाँ देखा होगा, ये बहुत कॉमन चीज है। ये आप ऑनलाइन बुला सकते हैं या फिर आप इसे पेट शॉप से भी ले सकते हैं। ये पूरा रबर का है तो आप उसको आराम से घिस सकते हैं, उसको तकलीफ भी नहीं होगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। आप इसको बस आराम से आपको उस पर चलाना है, इसको आप चाहो तो थोड़ा दबा सकते हैं। और ये देखिए पूरे बाल हाथ में। अब इसको निकालना कैसे, इसको उल्टा हाथ से, तो ये देखिए इस पर निकल रहा है। वो दोनों में से जो चीज मैंने आपको बताई, परमिनेटर और राउंड ब्लेड या जी ब्लेड, वो फेस पे नहीं चलाना है, ये आप चला सकते हो। मेक श्योर कि उसकी आंख बंद हो, जैसे आप प्यार करते हो ना, मेरे बाबू मेरे शुजो मम्मा, ऐसा जैसे प्यार करते हो ना वैसे ही कर दो। ये देखिए बाल बाहर आ जाते हैं। निकालना कैसे, सिंपल उल्टा हाथ से ब्रश। अब ये कैसे करो, सिंपल सी बात है, मेक श्योर ब्रश आप ऐसे लीजिए जिसमें ये बटन हो जिससे आप दबा सकें। कुछ ब्रश ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ ऐसा पॉइंटेड तो होता है लेकिन ये नहीं होता सिस्टम, ये आप देख रहे हैं जब आप ऐसे दबाते हैं तो क्लियरली बाल ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये कैसे, ब्रश भी आपको पहले उल्टा मारना है, ये देखिए हल्का हल्का पहले उसको उल्टा मारिए। अब ये देखिए बाल निकल रहे हैं, सिर्फ आपको ये बटन दबानी है और यहाँ से आपके बाल बाहर, ये देखिए ब्रश अपने आप क्लीन हो गया। इसलिए मैंने कहा ब्रश ऐसा लीजिएगा जिसमें ये सिस्टम हो। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि जिसे हमें बाथरूम में करना पड़ता है, तो जहाँ ये कंफर्टेबल है ना मैं, बट करना तो पड़ेगा बाबू,
तो ये ना ब्रश चला के दिखा रहा हूँ, या पूरी बॉडी पे चला सकते हैं। हाँ, नीचे के पार्ट पर मत चलाइएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी डॉग हो नीचे के पार्ट पर मत चलाएगा क्योंकि उनका वो डेलिकेट पार्ट होता है। ये देखिए, मैंने पूरा सर से लेके उसकी पूंछ तक किया। There you go. ये शेडिंग टाइम है इसलिए इतने बाल निकल रहे, नहीं तो इतने बाल नहीं निकलते। सिर्फ बटन दबाओ और बाल। ब्रश एक ऐसी चीज है जो आपको उसे रोज करना पड़ेगा या एटलीस्ट ऑल्टरनेट भी करें तो काफी है, क्योंकि ऑफकोर्स बाल वाला कुत्ता जैसे हम हमारे बाल हमेशा झाड़ते हैं वैसे इसके बाल भी झाड़ना जरूरी होता है। ये चीजें तभी काम आती है जब शेडिंग का टाइम होता है, जैसे अभी है तो लेके रख ले तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी है तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि आपके पास बाप रे मुझे करूंगा इसके लिए। ये दो बहुत ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया। अब इससे मैंने कैसे डी शेडिंग की, मैंने इसमें कैसे ब्रश चलाया, मैंने इसमें कैसे ग्लव चलाया, ये वाली बात तो हो गई। अब बात आती है नहाने की, तो मैं आप सबसे सिंपल सा कहूंगा, अगर आपके पास अच्छे ग्रूमर्स हैं जो घर पे आके ही नहला दें, या फिर ऐसे पेट शॉप्स हैं या फिर ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पे ये सब नहलाया धुलाया या फिर इनका केयर किया जाता है, ग्रूमिंग की जाती है, वहाँ लेके जाओ। तामझाम मत करो, दो पैसा जाएगा बट बेटर रहेगा। लेकिन अब आप इमरजेंसी में फंस गए, जैसे हम फंस गए हैं, अभी सब जगह लॉकडाउन है तो भी हम ही को नहलाना है, हम ही को डी शेडिंग करना है, हम ही को सब कुछ करना है, तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने डॉग को नहलाना है, खासकर हस्की को या ट्रिपल नेक डॉग को, उसे कैसे नहलाएं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और कौन से प्रोडक्ट्स आपके डॉग के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चोक चेन से। अब आप बोलेंगे चोक चेन, चोक सुनते ही आपको बुरा लगता है, ऐसा नहीं है। चोक चेन क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इससे गला नहीं दबने वाला, मेक श्योर साइज ऐसा लीजिए जिसमें वो कंफर्टेबल, देखिए इससे वो कंट्रोल में रहते हैं बाबू। ये इसलिए ऐसा करें क्योंकि उसको लगता है जब भी मैं इसे पहनाता हूँ इसे बाहर घूमने के लिए ले जाता हूँ, लेकिन अब इसे नहलाना है। इसे लगाना कैसा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा लॉक नहीं है, डी अटैचेबल नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको एक दूसरे इसमें डालना है, इसी के कोड में डालना है और छोड़ देना, सिंपल। अब इसको पहनाना तो आपको पता ही है, सिंपल ला लो उसे। ये देखिए इतना गैप है, आप देख रहे हैं मेरा हाथ इतना गैप है। तो अब बारी आती है पेस्ट और ब्रश की। तो ये है उसका पेस्ट और ये है उसका ब्रश। पेस्ट में ये वाला प्रेफर करता हूँ क्योंकि डॉक्टर भी यही रिकमेंड करता है, और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको पेट शॉप में भी मिल जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि आपको पेट क्लिनिक ही जाना पड़े। और दूसरा ब्रश, देखिए ब्रश दो टाइप के होते हैं, एक आपका सिंपल जो हम यूज़ करते हैं और एक जैसा उंगली में फिट हो जाता है। ये वाला जब आप ब्रश लेंगे नॉर्मल ब्रश, तो प्लीज़ मीडियम या हार्ड मत लीजिएगा, ये सोचिए कि मेरे डॉग के दांत बहुत बड़े हैं बहुत पॉइंटेड है। सॉफ्ट या जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट आते हैं जो बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए होता है वो वाला लीजिए। आपको सिर्फ पेस्ट लगाना है और उसके बाद सिंपल सा देखिए बहुत ईजी है, आपको सिर्फ इसके दांत को ऐसा पकड़ना है, डॉक्टर इसके दांत में लगाना है, ब्रश आपको नॉर्मल सिंपल तरीके से कराना है। अगर दोनों में से कोई ब्रश नहीं है तो उंगली से काम चल जाएगा। अब बात आ रही थी इसे नहलाए किस चीज से। देखिए मेहरबानी से इस पे शावर गन या फिर शावर ऐसी कोई चीज यूज मत कीजिएगा। इनके लिए जो सबसे बेस्ट चीज होती है वो होती है सॉफ्ट चीज है जो इसके ऊपर आप रगड़ सको ताकि इसे तकलीफ ना हो, तो उसके लिए होता है यूज ये वाला पाइप। देखिए कुछ ऐसा रहता है, मैं इसका भी नाम दे दूंगा, और कुछ एक ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स बहुत सारे आते हैं, बट मैं तब भी बोलूँगा कि किसी पेट शॉप में जाके ही देखिए, क्योंकि क्या होता है कि क्वालिटी मायने रखती है। जो आपकी शावर गन होती है यहाँ से जो निकला होता है शावर गन वगैरह हो गया, उसमें ये लग जाता है, आपको इसे नीचे दबाना है कुछ ऐसा जिसमें ये फिट हो सके, उसके बाद आपको सिर्फ इसमें घुमाते हुए इसको लगाना है, सिंपल। देखिए हद से ज्यादा टाइट मत कीजिएगा नहीं तो खोलने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बस दैट्स इट। अब ये यहाँ पे लग गया, अब इसे कैसे यूज करें, सिंपल सी बात है, आप इसको चाहो तो हाथ में लगा के रख सकते हो, बेल्ट के जैसे ही हाथ में लगा के रख सकते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है, हाथ में लगा सकते हो या सिर्फ ऐसा पकड़ के भी रगड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिर्फ हमको पानी मारना है, या देखें सुपर पावर है पानी का, कम है आप इसको नहलाइए और इससे आप रगड़ सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है उसको रगड़ सकते हैं, आप उसको उल्टा रगड़ सकते हैं, पानी से उसको बढ़िया बाथ मिल रहा है, मस्त पानी मिल रहा है, और साथ ही साथ में जब मैं उसे रगड़ रहा हूँ तो उसको स्क्रब भी होता है। बेस्ट पार्ट ये होता है कि खासकर जब इसकी बाल है जो अंदर है पूरे वो पूरे बाहर आ जाता है, एंड इट्स प्योर रबर। ये देखिए प्योर रबर, कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई उसको कोई दर्द होना है, इसलिए मैंने कहा तेल पकड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस जोर से मत कीजिएगा, हल्का सा बस पकड़ने के लिए पकड़िए कि वो इधर उधर ना भागे, पानी से ही पूरा गीला हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है,
तो हम चलते हैं तीसरा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है इसका शैम्पू। देखिए ये जो शैम्पू है ये बेट लाइफ कंपनी का है, इसका नाम है कोट लाइफ। हालांकि मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में नाम और ये दे दूंगा। ये आपको किसी पेट शॉप में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ पेट क्लिनिक में मिलेगा, क्योंकि ये डॉक्टर रिकमेंडेड होता है और जो डॉक्टर रिकमेंड करता है उन्हीं के पास मिलेगा, आपको किसी पेट शॉप में नहीं मिलेगा। तो इसका भी मैं दे दूंगा कि अगर आपके आसपास में कोई भी पेट क्लिनिक है तो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसकी खासियत ये है कि शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर भी है, तो आपको कंडीशनर अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो सोचिए पूरी बॉडी पे पहले शैम्पू लगाओ वो निकालो, फिर उसके बाद कंडीशनर लगाओ फिर वो निकालो, तो आप ये तामझाम से बच जाते हो, एक भी काम हो जाता है। और जब से मैंने इसे ये लगाना शुरू किया है इसके बाल झड़ना बहुत कम हो गए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो लीजिए जो डॉक्टर रिकमेंडेड है। ओके, अब इसे लगाना है। इसे देखिए सबसे पहले आपको एटलीस्ट हाफ मग पानी भरना है, तो आपके डॉग के साइज के हिसाब से आपको उसमें शैम्पू मिलाना होगा। कभी भी कोई भी डॉग को कोई भी शैम्पू डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, इससे लगे कि मानो आपका डॉग बहुत बड़ा साइज है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज है तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मेरे डॉग के हिसाब से 2 से 3 नंबर बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें आधा जो है मग वो पानी भरा हुआ है। जैसे आपने इसको मिक्स कर लिया, हम क्या करते हैं ऐसा हाथ कर लेते हैं और ऐसा चलाने लग जाते हैं हाथ, ऐसा मत कीजिए। सिंपल है, इसको हल्का हल्का उसका स्किन पहले निकालिए, क्योंकि शैम्पू सिर्फ ऊपर आप बॉडी में लगा देंगे कोई मतलब नहीं है, उसके शैम्पू उसके अंदर तक जाना चाहिए। तो सबसे पहले उसका स्किन ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं स्किन, उस पर हल्का सा ही लीजिए और हल्का हल्का लगाइए, पहले उल्टा लगाइए। अब बात करते हैं इसके पैर की। ये जो गैप है ये आपको साफ करना बहुत ज़रूरी है। यही सेम चीज़ जब आप इसे थोड़ा सा उल्टा करते हैं, तो जब आप उल्टा होते दिख रहा है आपको उसके पैर अंदर से, ये साफ करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसे ऐसे रगड़ लिया काफ़ी है, ऐसा नहीं होता, आपको एक एक पाव को अच्छे से पकड़ के साफ करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी वो यहीं से लेके आते हैं। उसके तुरंत बाद इसे मिला लीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं लगाने के बाद उसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, वो सही नहीं होता है। आपको भी मालूम है शैम्पू लगा के तुरंत निकाल लेना पड़ता है, क्योंकि आप शैम्पू अगर रहने दोगे, भले उसमें कंडीशनर है लेकिन अगर आप रहने दोगे तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसकी स्किन है उसमें थोड़े से रैशेज आने के चांसेस होते हैं। तो बेटर है कि जैसे आप लगाएं तुरंत उसको साफ करें। मैंने कहा था उसको मिलाते मिलाते आप खुद ना लोगे, तो शैम्पू लगने के बाद हमारी जो लाडो है ना बाबू लाडो मत, वो कुछ ऐसी दिखती है। देखिए ये है शैम्पू से भरा हुआ हमारी लाडो। अगर शैम्पू आपके पास अच्छे हैं तो ही आप इनके डेलिकेट पार्ट पे लगा सकते हैं, लेकिन प्यार से। शैम्पू दोनों तरफ लग गया, उसके पॉज में लग गया, जो डेलिकेट पार्ट है उसमें लग गया, पूरी तरीके से लग गया, अब इसे साफ कैसे करें? तो फिर से हमें ये अपने हाथ में लेना है और सिर्फ पानी मारने से काम नहीं होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास ऐसा स्क्रब जैसा ब्रश हो। जब आप उल्टा मारते हैं तो उसका स्किन बाहर आता है, ये देखिए स्किन आप देख सकते हैं। जब आप उल्टा मारते हैं तो स्किन, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट मारूंगा तो स्किन दब जाएंगे और शैम्पू अंदर चला जाएगा और अंदर ही रह जाएगा, इसलिए पहले उल्टा मारिए तब आपको उसको हाथ से भी साफ करना है। सिर्फ ब्रश के भरोसे मत रहिए कि हाँ इसमें तो स्क्रब लगा हुआ है इससे भी साफ हो जाएगा, नहीं आपको हाथ भी करना पड़ेगा और उसके स्किन पे छू के देखना पड़ेगा कि शैम्पू रह तो नहीं गया। अगर थोड़ा भी चिपचिप या थोड़ा भी चिकनापन है तो उसको आपको साफ करना ही पड़ेगा। आप चाहे हाथ से साफ कीजिए या ब्रश से साफ कीजिए, लेकिन आपको हाथ और ब्रश दोनों से ही करना पड़ेगा। आप देखिए जैसे मैंने इतने पर्टिकुलर पार्ट किया है, ना कोई चिपचिप ना कोई, लेकिन मेरा हाथ स्मूथ ही चला है। चिपचिप होता था चिपकता स्मूथ हो या फिर चिकना होता तो फट से स्लिप हो जाता है, ठीक है प्रॉपर चलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी पूरी बॉडी में से शैम्पू निकले। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे ड्राई कैसे करें, क्योंकि ड्राई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके आपके पास रस्की हो तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनके बाल इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। 2 टॉवल तो उसको गारंटी लगे, लेकिन उसके पहले ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्पेशल टॉवल होता है, मैं आपको उसका नाम मेंशन कर दूंगा, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि ये पानी बहुत जल्दी हो सकता है। देखिए
अब बात आती है इंतजार कैसे करें। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सक्शन, एक होता है ब्लो। तो मेक श्योर कि आप इसे ब्लो में लगाएं ना कि सक्शन में। ब्लो में ब्लो कैसे करना है, पहले आपको पीछे उल्टा मारना है और उसके बाद सीधा मारना है। ओके, दूसरी चीज अगर आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है या फिर आपके पास में वो सिस्टम नहीं है जिसमें आपका ब्लो करता है, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल से एक ड्रायर ले लीजिए। लेकिन मेक श्योर कि आपके जो ड्रायर है उसमें कोल्ड और वार्म दोनों का सिस्टम है, क्योंकि मोस्टली ड्रायर में सिर्फ वार्म यानी कि हॉट ही होता है, कोल्ड होता नहीं। मेरे इसमें दोनों सिस्टम है, ऐसे बहुत से ड्रायर आते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर किसी भी ब्यूटी शॉप में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मेरा जो ड्रायर है, हालांकि मैं इसका भी नाम आपको मेंशन कर दूंगा, इसमें कोल्ड और ड्राई दोनों है। मेक श्योर कि आपकी मशीन जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि इनके बाल आसानी से सूखते नहीं। तो मैंने इसे कोल्ड पे रखा है, बस मैं इसे स्टार्ट करूंगा, यानी कि पहले उल्टा मार लीजिए फिर सीधा। इससे बाल ज्यादा जल्दी ड्राई होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया है कि ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट कीजिए। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, तो प्लीज आप उसे भी फॉलो कीजिए। और बहुत जल्द मैं आपके साथ मौजूद होगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक लेता हूँ अलविदा, प्रेज द लॉर्ड, बाय।